छोटी जातियों को लेकर के गालियां दी जाती हैं समाज में, कमजोर जातियों को लेकर के सारी गालियां लगभग महिला विरोधी हैं। तो एक निचले तबके का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब गालियां सुनता है तो आप समझें कि उसकी जाति और उसका वर्ग मुख्यमंत्री बनने के बाद भी छूटा नहीं और उनको गालियां दी गई। तो आज जब हम आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में दिल्ली में एक ऐसे समाजवादी चिंतक, विचारक और राजनेता को याद किया जा रहा है, यह मेरी नज़र में कमोबेश पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं शामिल हूं और निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है, ख़ास तौर पर तब जब 2020 में राजनीति पर ही संकट मंडरा रहा हो और वह संकट वैचारिक हो। ऐसे संकट के दौर में समाजवादी विचारकों को याद करना निश्चित रूप से खुद की शक्तियों को संचलित करना है, संगठित करना है कि आज के तानाशाहों से हम कैसे उन्हें वैचारिक तौर पर चुनौती पेश कर सकते हैं। एक बात जो हम लोग जब भी राजनीति को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि यह मूलतः विचारधाराओं का संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष कुछ विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ता है। कहने को हर विचारधारा ये कहती है कि वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत कुछ मुख्तलिफ होती है। तो संघर्ष वैचारिक होने के बावजूद जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय की वैचारिकी पर खड़े होकर के ज़मीनी स्तर पर आमूलचूल बदलाव करने का साहस करने वाले राजनेता अपने ज़िले या अपने राज्य के नेता तक ही सीमित कर लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको सामाजिक न्याय के कटघरे में ऐसा कैद किया जाता है कि वो कुछ गिनी चुनी जातियों के नेता बताए जाने लगते हैं। कर्पूरी ठाकुर को याद करना राजनीति के इस व्याकरण को चुनौती देने जैसा है। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में इस तरह का कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से यह इसके वैचारिक दायरे को और वृहत्तर करता है। और निश्चित रूप से जब हम समाजवादी विचार की बात करते हैं तो पूरे देश के समाजवादी नेता इसमें शामिल होते हैं। और जब मैं यह बात कह रहा हूं कि कैसे सामाजिक न्याय की राजनीति को जातिवादी कहा गया, क्षेत्रवादी कहा गया और उन्हें सीमित किया गया, ऐसे दौर में हमें याद रखना होगा कि हमारे पूर्व के वक्ता जो कह रहे थे ना कि कर्पूरी ठाकुर एक विचार का नाम है, उस विचार का नाम है जिसके पास शिक्षा को लेकर के एक दृष्टिकोण है। तो मैं एक ही बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हम सामाजिक न्याय की वैचारिकी की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे विचारक आते हैं जो इस बात की अहमियत को समझते थे कि सदियों से संसाधनों और अवसरों को लेकर के हाशिए पर ढकेले गए बहुसंख्यक तबके के लिए संसाधनों की उचित भागीदारी भी उतना ज़रूरी मसला है जितना ज़रूरी मसला शिक्षा भी है। और शिक्षा को लेकर के एक दृष्टिकोण हमारे सामने कर्पूरी जी का आता है और आर्थिक न्याय को लेकर के सामाजिक न्याय की विचारधारा को वो सामने रखते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब आरक्षण की बात आती है और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कर्पूरी जी ने आरक्षण की पहलकदमी का जोखिम उठाया, तो उस जोखिम के बाद जो छवि बनाई गई, जो गालियां दी गईं, जो अपमान किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, यह भी हम जैसों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक
विश्लेषण और विमर्श का विषय है, क्योंकि गालियों का समाजशास्त्र और मनोविज्ञान यह कहता है कि गालियां कमजोर तबके के लिए बनाई जाती हैं, उनको एड्रेस करते हुए। मसलन छोटी जातियों को लेकर के गालियां दी जाती हैं समाज में, कमजोर जातियों को लेकर के सारी गालियां लगभग महिला विरोधी हैं, और उन गालियों का कौन इस्तेमाल करता है इसका भी एक व्याकरण है। तो एक निचले तबके का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब गालियां सुनता है तो आप समझें कि उसकी जाति और उसका वर्ग मुख्यमंत्री बनने के बाद भी छूटा नहीं और उनको गालियां दी गईं। तो आज जब हम इस दौर में खड़े हैं और विषय है राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का योगदान, तो आज चुनौती कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सामाजिक न्याय पर पिछले दौर में हमले दिखने वाले हुआ करते थे, जातिगत वैमनस्य दिखता था, आपको जब संस्थानों से संसाधनों से बाहर किया जा रहा था तो दिखता था। 70 साल बाद संविधान के दम पे बराबरी तो आई है, लेकिन अब सामाजिक अन्याय बहुत बारीक हो गया है, इसलिए आपको शिक्षा से वंचित करने के लिए एक तरफ शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ अशिक्षित होने के चलते आरएसएस जैसी विचारधारा आपका बौद्धिक शोषण कर रही है। दूसरी तरफ एक सेकुलर फैब्रिक जो था सामाजिक न्याय में, बहुजन की वैचारिकी जो है, जो हर शोषित दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक और महिला को एक साथ एक मंच पर ले आ करके जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है, लोहिया जेपी, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की विचारधारा, इन सारी चीज़ों को आज समेटने की ज़रूरत है, तब आज के तानाशाहों से हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जय भीम, जय समाजवाद।